वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो गाइस। आज से कुछ दिन पहले मैंने अमेज़न से एक पार्सल मंगाया था एंड आई गेस दो दिन पहले मेरे घर पे डिलीवर हो चुका है। ये देखो गाइस, ये है वो पार्सल एंड पिछले दो तीन दिनों से लेकर ये मेरे घर के अंदर ऐसे कोने में पड़ा हुआ है। काफी ज्यादा बड़ा पार्सल है एंड बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, सो आई एम थिंकिंग कि अब इसको अनबॉक्स करने का समय आ चुका है। अब देखो गाइस, एग्जैक्टली मैं तुम लोगों को बताता हूं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है हमारी जिम की एक मशीन। यस गाइस, मैं अपने घर के अंदर एक मिनी जिम सेटअप कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि लाइक कोई प्रॉपर जिम सेटअप होगा मेरा, बिकॉज ऐसे मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है मेरे घर के पास, बट मैं डेली बेसिस पे जिम जा नहीं पाता। अब डेली नहीं जा पाता हूँ तो एक्सरसाइज छूट जाती है एंड मेरे को एक्सरसाइज करना डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेरा जो दूसरा चैनल है गेमिंग चैनल, उसमें ना दिन भर बैठ के काम करना होता है, तो फिजिकल फिटनेस भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए गाइस ये मशीन यहाँ मंगाई है। एंड उसके अलावा चेक दिस आउट, थोड़ा बहुत सामान मैंने और मंगाया था, डंबल्स हो गए, ये रखे यहाँ पे, ये रॉड्स वगैरह, वेट्स वगैरह, तो एक आधे वेट अभी और आने बाकी है थोड़े बहुत। आई गेस तीन या चार दिन में डिलीवर हो जाएंगे वो भी, तो मेरा पूरा प्रॉपर जो मिनी जिम का सेटअप है वो हो जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको अभी ओपन करने का, बट ये इतने दिन से लेके यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है ना कि मेरे को दीदी ने बोला, मम्मी ने बोला कि भाई इसको फटाफट अनबॉक्स कर ताकि घर थोड़ा साफ लगे। बाय द वे हमारा ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर लेके, हमारा मेन गेट है, कोई भी यहाँ से मेहमान आएगा ना तो सबसे पहले यही दिखेगा, तो ये बहुत गंदा लग रहा है एक्चुअली में, तो उसके यहाँ से खाली करना जरूरी है। मैं इसको ना फटाफट सेटअप करके तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसा लग रहा है मेरा मिनी जिम। कैसे मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे हायर करी है, कमान जल्दी जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, किसी काम की नहीं है भाई ये हेल्प यार। अरे 10 रुपए दे रहा हूँ ना पेमेंट के भाई, 5 रुपए काट दूंगा अगर डिले हुआ थोड़ा भी। चलो कमान, टाइम पे यहाँ पे खत्म करना जिम सेटअप। 50 रुपए कमान कमान, रुक जा ले, कैमरा पकड़ फिर को मैं असली ताकत दिखाता हूँ। हाँ तो तुझे दिखानी चाहिए ना ताकत, बढ़नी है। वैसे तो मैं भी जिम जाती हूँ, प्लीज मैं भी कर सकती थी। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, मैं भी कर ही रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगले साल तक पहुंच रही, यहाँ से यहाँ तक ना अगले साल तक पहुंच जाता शायद से। ओ ऐसा लग रहा है किसी मम्मी को तुमने उठा के इजिप्ट से लेकर आ चुकी यहाँ पे और अनबॉक्सिंग हो रही है। तो बाय द वे गाइस, ये ना हमारी एक नीचे क्या बोलेंगे उसका, लाइक ऐसे बेंच प्रेस करने वाली जो मशीन है, बेंच मशीन नहीं बोलेंगे, लाइक नीचे का वो बेंच और बैक साइड के लिए एक वो भी है जिसमें हम लोग जो रॉड है रॉड को फंसा सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ भाई तेरे को, इसको लग रहा है कि मैंने ऐसी चुंदू मुद्दू से मशीन मंगाई हुई है, इसको आइडिया नहीं कि एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी है ये वाली मशीन एंड प्रीमियम भी है ये बाय द वे। ओए तूने मेरा मैट गंदा कर दिया, देखो नीचे क्या कर रही है वहाँ, देखो पोछा लगाएगी उसके बाद, पोछा भी तू लगाएगी, उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा। ओए आराम से कर यार, आराम से इतना जोर से गिरा रही मेरी मशीन, टूट जाएगी यार। इससे बड़े तो मैं ही निकाल दूं, तू मेरे को कैमरा पकड़ लेना, चल जल्दी कर। गाइस बस अभी हम लोग ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मशीन का कौन सा पार्ट कहाँ पे खड़ा होगा, कौन सा लाइक साइड के लिए जाएगा एंड कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगने वाला है। मुझे लग रहा है इसमें लग जाने वाला हमको 1-2 घंटे आराम से। फिगर आउट मैंने करवा रहा मुझसे बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैसे भी कैमरा उठाने के लिए साइड में हूं मैं, देखो कितना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों साथ मिलकर भारत करेगा गाइस। चलो तुम लोग से थोड़ी देर में मिलते हैं इसको सेटअप करके 1-2 घंटे के बाद। अरे भाई 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 भाई, तू तो स्टार्ट ही हो गया भाई, रुक जा भाई, तू तो इस ऐसी बॉडी बनाने में तेरे को 50 साल लगे कम से कम। अरे 50 लगे 75 लगे बननी चाहिए बस, वो मेन बात है भाई। देखो इस लड़के को कितना मेहनती लग रहा है ना, बिल्कुल मेहनती नहीं है लड़का। अरे नया नया जिम है भाई, नया जिम। कितना किलो है वैसे तो बता। 10-10 किलो होता है, ऐसा नहीं भाई। तेरा डम्बल तो बहुत ही सुंदर है यार, पर डम्बल देखो गाइस, अपन इस डम्बल ये पूरा एडजस्टेबल डम्बल है बेसिकली, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखो इसमें है ये, यहाँ पर किलो इसके सारे के सारे, मैं 10-10 से चक रहा था, यहाँ पे 11.5, 13.5, 16 भी कर सकता हूँ, 18 भी कर सकता हूँ। एंड सपोज यहाँ पे 10 है, वहाँ भी 10 सेटअप करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये दूसरा डंबल है, यहाँ भी 10 सेटअप, वहाँ भी 10 सेटअप, एंड पूरा का पूरा डंबल है 10-10 किलो का बन जाएगा। तो ट्राई करना है, क्या बात कर, मैं भी जा तू करता रहे, 10 किलो ट्राई करके देखते हो, अगर मेरे से लगा ना, अगर कैसे 10 किलो लग गया तो भाई एक लाइक इस वीडियो पे, देखो 5 रेपिटेशंस मानी, ज्यादा नहीं करना कुछ, 5 रेपिटेशंस, चल 5-3 करना है तेरे को, फॉर 1 लाइक 3 रेपिटेशंस। चल अब से स्टार्ट है, चल ठीक है, कम ऑन, ये लगा पहला, चल 5 मार दे, 2 हो गए, फिर सब्सक्राइब भी कर लेंगे लोग, है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और मारना देख, सब्सक्राइब तभी होगा, शाबाश, चल तेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा डिस्क्रिप्शन से गाइस, ओके 6 लग चुका है, चलो मरियो मरियो, नहीं यहाँ पे मेरे को गालियां पड़ जाएगी घर से। देखा मैंने भी
और इस डंबल को ना आराम से रखिए, रख जरा कैसे रखेगी, कमान से रखना है बिल्कुल नजाकत के साथ, बहुत महंगे है ये, ठीक है। शाबाश, जिम जाती हूँ। बाय द वे गाइस देखो यहाँ ये मेरा बेड है, यहाँ मैं सोता हूँ, ओके। और यहाँ पे मुंह के सामने ये है हमारा छोटू ऐसा जिम, मैं तुम लोग इसका सिनेमैटिक दिखाता हूँ एक बारी। What's up? So, आज हम लोग गाइस आए हैं गौशाला में गाय को गुड़ वगैरह खिलाने के लिए। कितनी सारी गाय है यहाँ पे। हेलो 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 हेलो। गिरा दिया यार, उन्हें ऐसे करके जीभ निकाल रहे हैं, डर लग रहा है। यस, ये वाला बछड़ा कितना क्यूट है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। कम ऑन, इस वाले को खिला दो प्लीज, बहुत ज्यादा इच्छुकदार है। ये वाला बीच में आ रहा है, नहीं वाला कितना क्यूट है, उसको खिला प्लीज प्लीज। नाइस, ये आगे वाला ना खुद खा रहा है ना पीछे वाले को खाने दे रहा है। रुक जा बच्चे, रुक जा रुक जा। हाँ ये वाला बहुत खतरनाक मारता है। अरे बाप रे बाप, ये मार रहा है भाई मेरे को, गंदा खाने। आओ 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 यार, खा तो ले भाई, ना खा रहा है ना दूसरे को खाने दे रहा है, बहुत शताने वाला, सिर्फ चाट रहा है, पता मेरा हाथ चाटता है तब से लेकर। कम ऑन, शाबाश, आजा 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 आजा, शाबाश भाई। ये वाला इसको मार रहा है यार, क्यों मार रहा है, इतना ज़्यादा शैतान क्यों है तू, ले ले ले, शाबाश। गाइस आज 8 अप्रैल है एंड 9 अप्रैल को हम लोग एक ब्रांड न्यू चैनल अपलोड करने वाले हिमलैंड्स IRL। IRL का मतलब होता है इन रियल लाइफ, तो हम लोग इन रियल लाइफ जाके बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंजेस करने वाले हैं। आई थिंक जब तक लोग इस ब्लॉग को देखोगे तब तक शायद से 1,00,000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर हो जाएंगे, बट मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे वो चैनल लॉन्च हो उसका वो इनिशियल मूवमेंट। कुछ हो गए ड्रीम भाई, करो जरा एक और बार, 600 कुछ हो गए, शाबाश। ये हमारा ब्रांड न्यू चैनल 800 हो गए, शाबाश ड्रीम भाई, करो शाबाश 880। और इसी के साथ गाइस पहले 1,000 सब्सक्राइबर इस रिफ्रेश में हो जाएंगे, कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, 11 बजे, शिट मैन, 1,000 सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो गाइस। जब फर्स्ट टाइम पे मेरे जिंदगी में चैनल खोला था ना, तो 1,000 सब्सक्राइबर होने में कितने साल लगे थे, और यहाँ पे देखो गाइस, आई थिंक वीडियो अपलोड होते ही विद इन लाइक 4 मिनट के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू मैन, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को इस चैनल पे, बहुत ब्रांड न्यू धासु कंटेंट देने वाले हम लोग। गाइस अभी ना हम लोग मॉल रोड से वापस आ रहे हैं शिमला में, एंड आज मेरे से एक बहुत ही स्वीट चीज हुई यार, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो हम लोगों को भूख लगी और हम लोग मैकडॉनल्ड्स चले गए खाना खाने के लिए, ठीक है। हम लोग मैकडॉनल्ड्स में खाना खा ही रहे थे कि वहां पर अपने को ना एक बंदा मिला यार, अपना अपना फैन था जो हम अपनी वीडियोस वगैरह देखता है, तो भाई उसने ना मेरे लिए एक बहुत ही स्वीट चीज करी यार, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ यार। ओके गाइस चेक दिस आउट, ओ माय गॉड। तो उन भाई साहब ने मुझे देखा एंड उन्होंने क्या किया, बाय द वे मेरी लाइव फोटो नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम से मेरी कोई भी एक फोटो उठाई और लाइव ऑन द स्पॉट बनाई, एंड देन ही जस्ट सरप्राइज मी विद दिस मैन। और ये देख रहे भाई, हैंडमेड ऑन द स्पॉट लाइक मैकडॉनल्ड से बैठ के बनाई भाई साहब ने यार। अगर मुझे गलती से भी उन भाई साहब का इंस्टाग्राम मिलता है ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्होंने चेक जरूर करना। ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा ऑसम लगी यार, कितना स्वीट है यार देखो। एंड आई गेस यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है भाई, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आईडी है शायद भाई साहब की, मैं डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जरूर चेकआउट करना। चेक दिस आउट यार, कितना ज्यादा ऑसम बनाया हुआ है। सो गाइस हिमलैंड्स के एक फैन आए हैं जो हमसे स्पेशली एक सवाल पूछना है, क्या पूछना है थे आप? हाँ, वहाँ से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? तो गाइस वहाँ से मैं बाहर निकलूंगा एक क्लच करके, वोडो क्लच क्या होगा वो आपको चलेगा बता वीडियो में, ठीक है, 27 तारीख को, डन। ओहो नए गोल गप्पे वाले भैया हमारे इलाके में आ चुके हैं। भैया गोल गप्पे कैसे दिए? सौ के दो। इतने महंगे गोलगप्पे कौन खरीदेगा, क्या अंबानी के घर से आ रहे हैं? ये गोलगप्पे वाली भी बहुत स्पेशल है, इसीलिए बहुत महंगे गोलगप्पे खाने पड़ेंगे भाई। बाय द वे गाइस अभी रात के क्या टाइम क्या हो रहा है, अपने 11 बजने वाले, डिनर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है भाई, पर अभी यहाँ पे गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं। वाह गोलगप्पे पार्टी चल रही है।
बाय द वे गाइस, हम लोगों ने एक चैलेंज किया था गोलगप्पे का, जो कि इसके चैनल एसके ब्लॉग चैनल पे आएगा, तुम लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। एंड और बचे हुए जो गोलगप्पे अभी हम लोग खाने वाले हैं, डिनर हमारा हो चुका है एक्चुअली में, और बहुत पेट भर के खाया हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत कम खाया। बट इसको पता नहीं क्यों रातों रात यहाँ पे गोलगप्पे खाने की लगी, मैं कह चल मैं भी खा लेता हूँ यार। भाई एक तो खिला रही इसको, ऊपर से बंदा ज्यादा ही मेरे को ही बोल रहा है कि इसको क्या खाने, पूरा प्रोफेशनलिज्म चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अगर गोलगप्पे के टेस्ट में थोड़ी भी यहाँ पे गड़बड़ हुई गोलगप्पे के टेस्ट में, तो भाई रेटिंग में तेरे को मैं 0 स्टार देने वाला हूँ, तेरे गोलगप्पे भी बिकेंगे नहीं फिर ये बाद में। कोई आईडिया अगर तेरे को वैसे ही स्वाद चाहिए गोलगप्पे वाले भैया बनाते, तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँ पहले, थोड़ा पसीना भी जाएगा तो स्वाद अच्छे से आएगा। क्या पता इस चटनी में ऑलरेडी समोसे वाले भैया का पसीना हो ऑलरेडी, क्या पता लगता है यार। लेके भी मैं ही आई हूँ, तो ध्यान भी नहीं दिया। तो बना जरा, मैं देखना चाहूंगा तेरा प्रोफेशनलिज्म कितनी ज्यादा है, एकदम प्रोफेशनल बनना चाहिए ठीक है। अबे तू मैं क्या हाथ में खाऊंगा क्या, मैंने एक लाया था अपने लाया था मैंने ये हर एक में चटनी डाल दी इसमें। आप थाली में, चल मैं थाली में खा लूंगा, चल दे जरा एक बारी, पूरा प्रोफेशनल बनना चाहिए ठीक है ना। और बाय द वे आपने आप अपनी लोकेशन बता दो अपने गोलगप्पे की रेडी की, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस जहां भी तुम लोग इनकी रेडी दिखेंगे ना, प्लीज यार गोलगप्पे खा लेना यार, थोड़े पैसे बन जाएंगे इनके भी यार, है ना। ओह 100 के 2 गोलगप्पे खा, मीठी चटनी ज्यादा चाहिए मेरे को, मीठी चटनी मेरे को ज्यादा चाहिए। मुझे पता बहुत अच्छा लगा, आई नो टेस्ट बहुत ज्यादा है। तो अब क्योंकि तूने बाहर से खरीद कर आया, तूने खुद थोड़ी बनाया, तो मैं बना लू ना, यहाँ तो मैं ही बना लू ना, इसमें क्या छेद करने दो डालने हो गया। नहीं गाइस एक्चुअली मैंने इसको आटे का खिलाया, खुद मैं सूजी का खाऊंगी, मैं थोड़ा अपग्रेडेड वाला खाती हूँ। वाह बेचे वाह। और करेगी मेरे यहाँ पे बेमानी ऐसा होता है। बहुत सूजी का तो आटे से बढ़िया है, मुझे सूजी का दे देना एक बारी। ओहो चलो भाई, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका जो टेस्ट है ना वो एक्चुअली उन रेडी वाले भैया का ही है, पसीना है इसमें गाइस रेडी वाले भैया का, लाइक बनता है उनके लिए। अरे भैया बहुत ज्यादा मिर्ची है, थोड़ी सूखी पापड़ी खिला दो प्लीज यार। अरे भैया सूखी पापड़ी तो खत्म हो गई है, लास्ट आप ही खाए थे अभी। अरे सूखी पापड़ी नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे आपको, बाकी जाने से चल।